Hey guys, it's Anil Maskar and now you're watching Carnage Vlog. So guys, आज हम देखेंगे incline part 2 video. पहले हमने क्या देखे थे? Dumbbell press incline का. अब हम देखेंगे barbell press. तो भाई ये भी beginners के लिए है. और मैं अपने दर्जी से सिर्फ beginners के लिए बोल रहा हूँ अभी. और जो advance हैं उन लोग के लिए भी सही है. तो सबसे पहले तो beginners के लिए देखो. ये जो incline branch है वो पहले से adjust है 30 degree पे. देखो normal जो gym में रहती है 30 degree पे रहता है. ठीक है, तो हम ये देखेंगे अब इसको प्रेस कैसे करते हैं. तो यहाँ अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो और फिर आराम से पीछे जाओ. जो पैर है वो नी जो हमारा जो टो रहता है वो एकदम नी के पैरेलल रहना चाहिए, एकदम सीधा. एक ऐसा तो ग्लूट टाइट करो, एक आर्च बनाओ यहाँ पर. उसके बाद देखो ग्रिप, ग्रिप जो होती है ऐसा एडजस्ट करके देख सकते हो खाली हाथों से कि कौन सी ग्रिप ज़्यादा सही रहेगी. सबकी अपनी अपनी रहती है, किसी की वाइड रहती है, किसी की पास में रहती है, तो अपने हिसाब से उसके चेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपको वाइड लेना है ग्रिप. तो वैसे यहाँ पे मेरा इतना वाइड आता है अपने चेस्ट के पैरल. फिर इसको धीरे से उठाओ, इसको रखो अपने चेस्ट के पैरल. इसको रखना है आपको अपने चेस्ट के ऊपर, एकदम चेस्ट है उसके पैरल में, आँख से हल्का नीचे. ठीक है, उसके बाद इसको हल्का सा नीचे लाओ. ऐसा इस तरीके से नहीं लाना है. ये जो गलतियाँ करते हैं बिगनर्स लोग, वर्टिकल पुल जैसे वर्टिकल इसको प्रेस करते हैं, ये गलत होता है. इससे आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है. इसलिए सिंपली इसको हल्का सा हमारी नी को अंदर की तरफ बैंड करना है और फिर नीचे जाना है स्लोली स्लोली. इस तरीके से आराम से धीरे से 2-3 सेकंड चलाओ नीचे. फिर इसको पूरा यहाँ पर रोको, स्ट्रेच करो. उसके बाद फिर पुल करो, फिर स्ट्रेच करो, फिर से धीरे धीरे नीचे लाओ उसको 2-3 सेकंड होल्ड करके. फिर यहाँ स्ट्रेच करो, फिर पुश करो, फिर ऐसे इसको 2-3 सेकंड से नीचे लाओ. उसके बाद होल्ड, फिर स्ट्रेच, प्रेस. वैसे ही 2-3 सेकंड नीचे लाओ, फिर होल्ड, स्ट्रेच एंड फिर से प्रेस. सो गाइस, ये था हमारा बार बार इंक्लाइन प्रेस. तो तुमने देख लिया सही फॉर्म कैसा होता है. अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को रिजल्ट मिलते हैं, वैसे कुछ कुछ रहता है कि कुछ को अलग एंगल पे, हल्का अलग एंगल पे स्लाइड ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है. अगर मेरे अकॉर्डिंग ये जो मैंने बताया ये एकदम मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल. जैसे ये इंक्लाइन भी हो गया, डंबल प्रेस वैसे ही मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वैसा ही वो भी सही होता है. तो एक मैं टिप दूंगा आपको, जैसे जो लोग जैसे जो बिगनर्स रहते हैं, जो बिगनर्स कुछ नॉर्मल जिनका आइडियल वेट रहता है और स्किनी लोग रहते हैं, मैं फैट लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल आइडियल लोग जिसका नॉर्मल वेट रहता है और जो स्किनी रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ. तो उनके लिए एक मैं टिप दूंगा कि कभी भी एकदम से बल्किंग मत करना. एकदम से जो बल्क कर लेते हैं लोग, अब जैसे किसी का आइडियल वेट 60 है नॉर्मल वेट और कोई स्किनी है 40 वेट, ठीक है दोनों एक ही पर्सन, और वो नॉर्मल अपना वेट पुश करके जो 60 केजी है वो 80 केजी ले जा ले रहा है, जो 40 केजी है वो भी वहां तक 60 तक ले जा ले रहा है. 20-20 किलो का जो आप गेन करते हो, जो बल्किंग करते हो, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता और सही नहीं होता. क्योंकि वापस जब कट करना होता है तो उसमें बहुत दिक्कतें जाती हैं. क्योंकि नॉर्मल देखो बल्किंग करना ईजी है मगर कटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. उसके लिए हमको सही अपना प्रोटीन इंटेक, कार्ब इंटेक, फैट इंटेक रखना चाहिए. तो मेरे हिसाब से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो लीन बल्किंग स्टार्ट करो, लीन बल्क करना ही स्टार्ट करो. नॉर्मल जो लोग रहते हैं खासकर बिगनर, वो शुरुआत में ही आके ईगो लिफ्टिंग करने लगते हैं. ये भाई बहुत गलत होता है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी. ठीक, उससे ना तो मसल बिल्डिंग होगी, ना आपकी एक्सरसाइज सही होगी, ना सही फॉर्म मिलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा. तो ईगो लिफ्टिंग में आप सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं. तो बेहतर यही होता है कि चीजें स्लो करो. बल्किंग करते टाइम गलती ये करते हो कि फैट इंटेक काफी ज्यादा कर लेते हो, कुछ भी खाने लगते हो, जो भी चीज मिल रही है वो खा रहे हो, तो सोचते हो कि वजन बढ़ रहा है, तो उससे कुछ नहीं. वो डर्टी बल्किंग वो अलग ही होती है. लीन बर्क करो, सही सप्लीमेंट लो, सही तरीके की डाइट लो और स्लो बर्क करो. क्योंकि मसल बिल्डिंग करना ज्यादा जरूरी है बजाय बल्किंग, क्योंकि लास्ट में कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है.